मयो देवा महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनि सुत बलधारी संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान संकट उसके निकट ना आवे ले जो शरण तुम्हारी संकट संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान जय हनुमान मैं एक बार उन्हें आपसे निवेदन करता हूँ राघव से क्षमा मांग लें और देवी सीता को पूरे सम्मान के साथ लौटा दें इसी में आपकी और पूरी लंका की भलाई है भ्राता दूर हो जाओ हमारी दृष्टि से और फिर कभी अपना मुख मत दिखाना मैंने देवी सीता को मुक्त करने का निवेदन किया था महाराज लंकेश को मेरा निवेदन असह्य हुआ शर्मा उन्होंने मुझे देशद्रोही कहा स्वामी आप ही कहते थे न कि विनाश काल में बुद्धि काम नहीं करती हाँ पहले मैं कहा करता था विनाश काले विपरीत बुद्धि किंतु अब लंकापति रावण के रूप में इस कथन को सत्य सिद्ध होते हुए भी देख रहा हूं इसीलिए मैं लंका का विनाश देखने के पूर्व कहीं दूर चला जाना चाहता हूं किंतु स्वामी एक आप ही तो थे जो सीता माता की मुक्ति के लिए इतने चिंतित होते थे अब जब आप यहां नहीं रहेंगे तो तुम चिंता मत करो शर्मा देवी सीता के आंसू कदापि व्यर्थ नहीं जाएंगे वो स्वयं साक्षात योग माया है स्वामी लंकेश और आपके बीच मतभेद सीता माता को लेकर ही तो है पुनः आप श्री राम की शरण में क्यों नहीं चले जाते और वैसे भी सीता माता की मुक्ति उन्हीं के माध्यम से ही तो होगी तुम सत्य कह रही हो शर्मा श्री राम तो शरणागत वत्सल है वो अवश्य मुझे अपनाएंगे किंतु तुम्हारा क्या होगा क्या तुम लंकेश के अत्याचार सहन कर पाओगे स्वामी आप मेरी चिंता ना करें मैं धर्म और न्याय के लिए सब कुछ सहन कर लूंगी स्वामी मैं धर्मजयी सत्यवादी महाराज सैलूष की पुत्री हूं सत्य और न्याय की रक्षा के लिए मेरे प्राण भी चले जाएं तो ये मेरा सौभाग्य होगा मेरा जीवन धन्य हो जाएगा स्वामी किंतु शर्मा तुम अकेले आप तनिक भी चिंता ना करें स्वामी निश्चिंत होकर प्रस्थान करें शर्मा मुझे तुम पर गर्व है मुझे तुम पर इतना तो सुनिश्चित है कि
कि जय सदैव धर्म सत्य और नीति की होती है, किंतु रक्ष कुल के इतिहास में तुम्हारे त्याग के कारण तुम्हारा नाम सदैव गर्व से लिया जाएगा, गर्व से। स्वामी, स्वामी, आंखें खोलिए स्वामी, आंखें खोलिए। क्या हुआ देवी? स्वामी, अभी मुझे देवर्षि नारद मिले थे, वो बता रहे थे कि सीता के पता लग जाने और श्री राम के अभियान से वो आश्वस्त हो गए हैं। इसमें शंका वाली बात क्या है? शंका तो कुछ भी नहीं है स्वामी, पर लंका में बहुत ही उथल पुथल हो रहा है। ऐसा क्या हो गया है देवी? स्वामी, परम त्यागी तपस्वी और धर्म परायण विभीषण को लंका त्यागना पड़ रहा है, ये तो उनके साथ घोर अन्याय है स्वामी। देवी, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो प्रथम दृष्टि में अनुचित लगती हैं, किंतु उसका दूरगामी परिणाम बहुत ही शुभ होता है। मैं कुछ समझी नहीं स्वामी। रावण के राज्य में विभीषण जैसे धर्मपालकों का कोई महत्व नहीं होता, और जहां धर्म और नीति का पालन करने में संकट का सामना करना पड़े उस स्थान को त्यागना ही उचित होता है। किंतु लंका के राज्य में तो महाराज विभीषण का भी भाग था, किंतु अब तो वो राज्य विहीन हो गए हैं। देवी, पहले स्थान तो ग्रहण कीजिए। देवी, श्री राम की शरण में जो भी चला जाता है उसे किसी भी प्रकार की रिक्ति नहीं रहती, उसे सर्वस्व मिल जाता है। फिर भला ये राज्य, यह तो उसके लिए सामान्य सी बात है। अब मैं समझ गई स्वामी। राक्षसों की कूटनीति और माया को समझना बहुत कठिन है हनुमान। महाराज, ये सत्य नहीं है, मैं विभीषण को अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि लंका में मेरा उनसे साक्षात्कार हुआ था। उन्होंने मुझे माते सीता की अशोक वाटिका का पता भी बताया था। कौन हो तुम? क्षमा करे वानरराज, मैं लंकापति लंकेश का अनुज विभीषण हूं। लंकेश के कृत्यों से दुखी होकर श्री राम की शरण में आया हूं। किस कृत्य की बात कर रहे हो तुम? लंकेश रावण ने ऐसा कौन सा कृत्य किया है? वही कृत्य जिसके कारण आप सब यहां आए हैं। देवी सीता का हरण करके उन्होंने घोर अनर्थ किया है। मेरे बार बार विरोध करने पर भी उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी, और मेरे घोर विरोध करने पर मुझे लंका से निष्कासित कर दिया। हमें भ्रमित करने का प्रयास न करो रक्षपति। राक्षसों की माया से मैं भली भांति परिचित हूं, यहां आने का मूल प्रयोजन बताओ। बताओ वानरराज, हम पर संदेह न करें, हम श्री राम के सेवक हैं। हम पर संदेह करना श्री राम का अपमान होगा। आप जाकर उन्हें हमारे आने की सूचना दें, हमें पूर्ण विश्वास है वो अवश्य उचित निर्णय करेंगे।
मुझे समझाने का व्यर्थ प्रयास न करो रक्षपति। तुमने यहां आकर दुस्साहस का कार्य किया है, फिर भी मैं श्री राम को तुम्हारे यहां आने की सूचना दे देता हूं। लंका से आए गुप्तचरों को दंडित करने में मुझे प्रसन्नता होगी प्रभु। यदि आप मुझे आदेश दें तो मैं अभी उन्हें यमलोक पहुंचा दूं। शत्रु को जाने बिना इस प्रकार का कठोर निर्णय लेना उचित नहीं है हनुमान। सत्य तो ये है श्रीराम कि लंका का गुप्तचर कोई साधारण राक्षस नहीं, वो हमारे शत्रु रावण का अनुज है। आप किसकी बात कर रहे हैं किष्किंधापति? कहीं वे विभीषण तो नहीं? कहीं आप विभीषण की बात तो नहीं कर रहे हैं? तुमने ठीक समझा हनुमान। वो अपना नाम विभीषण ही बता रहा है और उसके अनुज उसके साथ हैं। यदि वे सचमुच विभीषण हैं, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। ये तुम कैसी बात कर रहे हो हनुमान? तुम एक शत्रु के सम्मान करने की बात कर रहे हो और वो भी कोई सामान्य शत्रु नहीं, साक्षात लंकापति का भाई है वो और तुम उसके सम्मान की बात कर रहे हो? महाराज, ये तो एक संयोग है कि विभीषण राक्षस कुल में पैदा हुए हैं, परंतु सत्य तो ये है कि वो प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। राक्षसों की कूटनीतियों और माया को समझना बहुत कठिन है हनुमान। ये मत भूलो कि वो प्रभु राम की भक्ति को शस्त्र बनाकर हमारी सेना का भेद जान सकते हैं और हो सकता है कि वो रावण के संकेत पर ही यहां आए हों। महाराज, ये सत्य नहीं है। मैं विभीषण को अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि लंका में मेरा उनसे साक्षात्कार हुआ था। उन्होंने मुझे माते सीता की अशोक वाटिका का पता भी बताया था। किष्किंधापति, पवन पुत्र अति बुद्धिमान है और लंका निवासियों की प्रवृत्ति का इन्हें अनुभव है। अवश्य ही रावण और विभीषण का भेद इन्हें ज्ञात होगा। मैं आपकी बातों से सहमत हूं ऋचराज, किंतु हनुमान को अभी राज्य चलाने का अनुभव नहीं है। मैं इसलिए विभीषण पर शंका व्यक्त कर रहा हूं। श्री राम दया की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। हमें पूर्ण विश्वास है वो हमें कदापि अस्वीकार नहीं करेंगे। जय श्री राम। महाराज विभीषण, श्री राम मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हमें रावण के सनुज की परीक्षा लेकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। आप सभी लोग बुद्धिमान, समर्थ और श्रेष्ठ हैं, किंतु मैं जो निवेदन करना चाहता हूं वो प्रभु श्री राम के गौरव के अनुरूप है। इस समय गुण दोष की परीक्षा संभव नहीं है, हमारे पास इतना समय भी नहीं है। विभीषण आश्रय देने योग्य हैं या नहीं, वे मायावी हैं या संत हैं, इस बात का निर्णय
उन्हें किसी काम में लगाए बिना नहीं किया जा सकता। इस समय उनके ऊपर गुप्तचर नियुक्त करना भी संभव नहीं है। प्रभु, यहां तो यह भी कहा गया है कि इस समय उनका यहां आना देशकाल के अनुकूल नहीं है। इस विषय में मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि वो सदैव से आपके परम भक्त रहे हैं। आपका बल विक्रम और आपकी दैवीय शक्तियां ही उन्हें यहां तक खींच लाई हैं। प्रभु, इस कारण उनका इस समय यहां आना देशकाल के अनुकूल ही समझना चाहिए। पुनः मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कोई भी परिचित और अपरिचित व्यक्ति द्वारा पूछताछ करने से किसी की मनोस्थिति का पता लगाना संभव नहीं है। प्रभु, कोई भी दुष्ट व्यक्ति इतना निर्भय होकर आपके सामने नहीं आ सकता। वो स्वयं को कितना भी छुपा ले किंतु उसका व्यक्तित्व प्रकट हो ही जाएगा। ये सब समझकर मुझे विभीषण को शरण देना उपयुक्त लगता है। शेष आपका निर्णय अंतिम और सर्वमान्य है प्रभु। हनुमान का कथन युक्ति संगत है। नीति के अनुसार राजा के दो प्रकार के शत्रु होते हैं, एक उनका वंशज और दूसरा सीमावर्ती शासक। और ये दोनों राजा के शत्रु तभी बनते हैं जब उनका राजा अत्याचारी हो जाता है, दुराचारी बन जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है कि विभीषण यहां रावण के अत्याचारों से त्रस्त होकर आए हैं, इसीलिए उन्हें शरण देना हमारा परम धर्म है। श्री राम दया की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। हमें पूर्ण विश्वास है वो हमें कदापि अस्वीकार नहीं करेंगे। जय श्री राम। महाराज विभीषण, प्रभु विभीषण भी रक्षकुल के हैं। और उनके अग्रज रावण ने देवी सीता का हरण किया है। यदि विभीषण के कारण भविष्य में कोई संकट उत्पन्न हो तो हम क्या करेंगे? नहीं तार, भविष्य की आशंका से हम अपने वर्तमान को कदापि नहीं भूल सकते। संसार के समस्त प्राणियों को अभय दान देना यही मेरा व्रत है। और विभीषण तो हमारे शरणागत है। किंतु भैया, हम विभीषण की परीक्षा तो ले ही सकते हैं बिना परीक्षा के। नहीं लक्ष्मण, शरणागत की परीक्षा लेना उचित नहीं। आप धर्म शिरोमणि हैं श्री राम, और हर संकट से सभी को उबारने वाले भी हैं। आपका यह निर्णय अंतिम निर्णय माना जाएगा प्रभु। पुनः मैं रक्षपति विभीषण को पूरे सम्मान के साथ आपकी सेवा में ले आता हूं प्रभु। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। यदि श्री राम ने हमें शरण नहीं दी तो क्या होगा रक्षराज? महाराज, क्या हम लंका वापस लौट जाएंगे? लंकेश को इस बात की सूचना वश मिल गई होगी कि हम सबने लंका त्याग करके श्री राम के शरण में आ गए हैं। और जब लंका हम लौट कर जाएंगे तो वो निश्चित तौर पर हमारा वध कर देंगे।
आप सबको इस तरह सोचने और इतना चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। श्री राम दया की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं, भक्त वत्सल हैं। हमें पूर्ण विश्वास है वो हमें कदापि अस्वीकार नहीं करेंगे, कदापि नहीं। जय श्री राम। महाराज विभीषण, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आज आपको यहाँ साक्षात देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई। मुझे इतना मान न दे प्रभु, मैं तो पतित हूँ। रक्ष कुल में जन्म लेने के कारण आपके दर्शनों का अधिकारी भी नहीं हूं। अब मैं आपकी शरण में हूं। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मरो जय मारुत तुल्य वेग, जितेंद्रिय मुद्धि मतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानर यूथ मुख्यं, श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये।